फाइंड द रीडिंग ऑफ स्केल, ये रखा इसने लिक्विड, लिक्विड को रखा किसी स्केल के ऊपर, वेइंग स्केल के ऊपर, वो मेजर करेगा। वेइंग स्केल क्या मेजर करता है? नॉर्मल रिएक्शन, वेट नहीं, नॉर्मल रिएक्शन। आप भी जब खड़े हो जाते हैं वेइंग स्केल पे तो आपका नॉर्मल रिएक्शन एम जी के इक्वल आता है, पर जब आप लिफ्ट में चले जाते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज होते हैं, वेट भी चेंज हो जाता है आपका। तो वेइंग मशीन क्या मेजर कर रही है? नॉर्मल। तो इसका मतलब मेरे को इसमें नॉर्मल रिएक्शन मेजर करना है। अब नॉर्मल रिएक्शन कैसे? देखो, सपोज करो आपके पास ये एक, मान लो एक स्टोन है या कोई भी बॉडी है जो स्ट्रिंग से हवा में लटका दी हुई है इस लिक्विड में। तो ये पूरा लिक्विड है, ये इसमें स्टोन है जो हवा में लटका हुआ है, इसका वेट W है और इसका वॉल्यूम V है। डेंसिटी लिक्विड की रो है, मास ऑफ द लिक्विड इसमें M है, ठीक। अब मुझे इसके क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन क्या बताना है, मतलब मेरे को N बताना है इसमें क्या है। तो यहाँ पर फ्लोर पे नॉर्मल रिएक्शन क्या लगा, वही वेइंग मशीन की रीडिंग होगी। अब ये करने के लिए मेरे को इक्विलिब्रियम बनाने पड़ते हैं कि कोई ना कोई फोर्स ऊपर नीचे बराबर होगा। अब एक कॉन्सेप्ट जो मैंने कभी बताया नहीं, वो अब बताने जा रहा हूँ, कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि एक बॉडी ने दूसरी बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन लगाई, तो दूसरी बॉडी ने पहली बॉडी के ऊपर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाई। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट तो है ही है, यही है स्टाइल। इसके अंदर भी एग्जैक्टली क्या है, इसके अंदर यहाँ पे फ्लोर पे क्या लगेगा, पानी क्या लगा रहा है, वेट लगा रहा है, पानी वेट लगाएगा, तो जिसके वजह से क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन एन लगेगा। फ्लोर पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, क्लियर है पहला स्टेप। नेक्स्ट, इसके अंदर ये जो स्टोन लटक रहा है, लिक्विड स्टोन पे क्या लगाएगा, अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट एक रिएक्शन, एक फोर्स है। अगर पानी ने पत्थर पे फोर्स यू लगाई तो पत्थर ने भी पानी पे यू लगानी है। वो ये तो कभी सुना ही नहीं, हम तो ऊपर ही कहते अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट, डाउन थ्रस्ट तो होता ही नहीं कभी भी। अब प्रॉब्लम ये है कि समुंदर में तैरोगे, समुंदर आपके ऊपर अपथ्रस्ट लगा देगा, तुम समुंदर को क्या दोगे, निग्लिजिबल फोर्स। तो हम उसको लेते नहीं है। हम कौन सा समुंदर के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या हम कौन सा कंटेन लिक्विड के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? ये पहला क्वेश्चन है जिसमें लिक्विड के ऊपर एक्सपेरिमेंट है, नहीं तो तैरती हुई बॉडीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है। तो हम एक यू तो लेते हैं, दूसरा यू कभी लेते ही नहीं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, अगर लिक्विड ने इस स्टोन पे अपथ्रस्ट लगाया तो स्टोन ने लिक्विड को नीचे क्या लगाना है, अपथ्रस्ट। तो एक और फोर्स कितनी, यू इसमें ऐड हो गई। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा अपने को, पूरी लिक्विड का वेट एम जी है इसमें, मास ऑफ द लिक्विड एम है। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में हर कोई खड़ा हुआ है, तो फ्लोर के ऊपर जो भी, या इस लिक्विड के ऊपर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स बराबर है। स्टोन का वेट काउंट नहीं होगा क्योंकि वो स्ट्रिंग से बना हुआ है, उसने लिक्विड को अपथ्रस्ट ही लगाया, या उस स्टोन ने लिक्विड को अपथ्रस्ट दिया और कुछ भी नहीं दिया। तो इसमें क्या करना है, इसके अंदर अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स क्या है, एन, और इसके फ्लोर के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रही है, वेट लग रहा है लिक्विड का कितना, एम जी, और साथ में अपथ्रस्ट भी लग रहा है जमीन पे कितना, यू। और ये अपथ्रस्ट कौन लगा रहा है, स्टोन लगा रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन मुझे निकालना है, अपथ्रस्ट की वैल्यू स्टोन से पूछो क्या होगी, वी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, क्योंकि अपथ्रस्ट में डेंसिटी हमेशा किसकी यूज करते हैं, लिक्विड की। तो आंसर ये मार्क करना है सही।